रेडियो धर्मवती, हमारे दीपक और अमित की बहू तो ऐसी आ गई ना, तो घर का कुछ पता ही ना। दीपक के पिताजी, मुझे नू बताओ, ये दोनों बहुएं ब्याह में इतना दहेज लाई, हमारा घर भर गया, और क्या चाहिए हमें? दहेज लाई तो तू इन्हें सिर पर चढ़ा ले, एक दिन तेरे ही बिचारे को लिकड़ेगी, जब चलेगा तुझे पता। हाँ, मैंने तो ये सर पे चढ़ा रखी, अभी राजू तो कवारा बैठा, उसके लिए ये कोई सती सावित्री। मेरा राजू तो लाखों में एक है, इसके लिए तो मैं ऐसी बहू लाऊंगा जो हमें दो रोटी दे दे टाइम पे, चाहे बेशक गरीब घर की हो। अरे अमित, अरे तू ही करिया खेत में पानी। पिताजी, मुझे कहीं जाना है। ऐ जी, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते, आज मेरी सहेली की शादी की सालगिरह है, वहाँ पर जाना है, जल्दी चलो, लेट हो रही है। हाँ हाँ, देख लेंगे। ओ राजू। हाँ पिताजी। एक गिलास पानी लाइए। अभी लाया पिताजी। लो पिताजी। अरे दीपक। हाँ पिताजी। नहर के उसरे का टाइम हो रहा, जाई के खेत में पानी करिया। मेरे बस की ना पिताजी। पानी वानी क्या, हमें तो शॉपिंग करने जाना, चलो तुम। चलो। देख ले भगवान, देख ले। पिताजी, तुम फावड़ा मुझे दो, मैं कर गाऊं इक्के खेत में पानी। जा तू करिया। पिताजी, यू तो बताओ कौन से खेत में होना है। अरे वाह, मोहन वाले में करिए ये। ठीक है जी। अरे राजू, आजा, फावड़ा लिए कहाँ जा रहा? अरे जाता के नहर का ओसरा हो रहा है, अरे पानी कर काऊं जाके यार। अरे आजा बैठ जा, सस्ताले थोड़ा राम कर ले। ए भाई राजू, अब तो खूब सेवा पानी भरी होगी, दूध दो भाप भी आ रही। अरे महेश, तुझे मजाक भारी है, मारे जी का हमें पता, मारी कैसी सेवा पानी हो रही है। अरे ऐसी के बात होगी? अरे महेश, तुझे तो पता ही है, भाई दोनों भाभी घने रही घर की आगी, मैं किसे रोटी पोके दे रही है, उन्हें तो अपने फैशन से ही फुर्सत ना है। अरे राजू, जो तू कहते हो तो मेरी मेरी मोची की लुंडी है, और उससे तेरे ब्याह की बात करूं? महेश, मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरे माँ बाप की सेवा करे और हमें दो रोटी टाइम पे दे दे। देख यार, लड़की तो ऐसी है, सुंदर है, सज्जन है, सहनशीलता और दूसरों की इज्जत करने वाली है, पर यार एक बात है। कौन सी बात है यार? वह गरीब, वह गरीब घर की। फिर गरीब घर के तो के हुआ, मुझे ना किसी के धन दौलत की जरूरत, मेरे ना तो धन भी वही है, दौलत भी वही है। ठीक है राजू, मैं बात करूंगा। चल ठीक है, तू बात कर लिए, जा रहा हूँ मैं। आराम से देख के। Thank you.
पड़ा बेसर में यू टाइम दिया था, एक घंटा हो गया तेरा इंतजार करते करते। सुन तो सही काजल मेरी जान, नाराज मत होवे, तुझे तो पता ही है ना हमारी मैडम है ना पिंकी, मैं उसे शॉपिंग करवाने ले गया था इसलिए टाइम लग गया। उसे शॉपिंग कराई हो? हमें तो कभी कराता ना तू शॉपिंग। अरे मेरी जान नाराज की हो रही है, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। इस रेशमी पजेब की झनकार के सदके जिसने ये पहनाई उस दिलदार के सदके, इस रेशमी पजेब की झनकार के सदके। मेरे रांझे मुझे तुझसे ही उम्मीद थी, चलो मैं घर चलती हूँ देर हो रही है। अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। बेटी लो चाय पी लो। मेज पर रख दो मम्मी जी। बेटी तू सिगरेट भी पी वे? मम्मी जी सिगरेट ही तो पी रही हूँ, आजकल की लड़कियां तो शराब पीती हैं। हेलो डार्लिंग, ऐसी क्या नाराजगी है? ससुराल जाकर हमें भूल ही गई? ऐसी कोई बात नहीं है जानू, तुम्हारी याद में पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। मेरी जान मेरा भी यही हाल है, वो दिन अब भी याद आते हैं जब हम मिला करते थे। मेरी शादी भी इस गवार के साथ कर दी, ना कभी घुमाने ले जाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम परेशान ना हो मेरी जान, जानेवन मैं तुम्हें चांद पर घुमा कर लाऊंगा, बताओ कब मिलोगी? बहुत जल्दी मिलूंगी। बहुत जल्दी किससे मिल रही हो पिंकी? जी 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 कुछ नहीं, वो मामा का लड़का था, बोल रहा था कितने दिन हो गए मिले हुए, मैंने बोल दिया उससे कि बहुत जल्दी मिलूंगी। ठीक है जब मौका मिलेगा मिल लेना, पहले हमसे तो मिल लो। अरे राजू कोलू में से पैसे ले आया? पिताजी गया मैं उसके दौरे, मिला ना आया, वो गुड़ बेचने जा रहा है। अरे तू एक काम कर, आलिया होएगा गुड़ बेच के, तू अब चला जा। ठीक है जा रहा हूँ मैं। ताऊ राम राम। राम 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 राम। अरे महेश बैठ। ताऊ ताऊ बैठने का ना का टाइम। और मारे काम बहुत है, कल को मारे ब्याह की बात है। अरे तंदी आ जियो। ठीक है बैठ तो सही। अरे महेश न्यू तो बता कौन सी बहन आ रही है भात में उतरने? अरे वो मेरठ वाली आ रही है, सविता। सविता की लोंडिया इतनी बड़ी होगी? अरे उसने बीए कर ली। अरे भाई राजू तुझे भी कल को वही रहना। ठीक है भाई वही रहूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है पिताजी, जा रहा हूँ मैं गुड़वाले के धोरे। हाँ भाई ये बात होगी? इन बदतमीजों ने मेरा दुपट्टा खींच लिया और मैं गिर गई।
सारे गांव के आते जाते लौंडे और छेड़े हो। माफ कर दो, आज सब आदमी थरी गली में भी ना है। कहीं चोट तुम लगी है? नहीं नहीं। एहसान का बदला मैं कैसे चुका पाऊंगी? इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो फर्ज है मेरा। तुम तो बहुत अच्छे हो। तुम भी तो बहुत अच्छी हो और सुंदर भी। मैं कहां की अच्छी हूँ, मैं तो तुम्हारा एहसान भी नहीं उतार सकती। नहीं नहीं ऐसी कोई बात ना है, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। मैं भी तो अभी कुंवारी हूँ। फिर आ जाऊं बुरात लेके। दत तेरी की। पिताजी मैं बाग पर जाऊं आज, थार लियो मंगवाना तुम्हें कुछ। भैंसों की खल खत्म हो रही है, चूरी उरी सब लेकर आना तुझे। ठीक है पिताजी, खल भी और चूर भी दोनों से ही ले आऊंगा। हाँ। राम 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 महेश बैठ आजा। चोर साहब राम 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 जी राम 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 जी बैठो जी। अरे राजू। हाँ पिताजी। पानी लेखा। और सब ठीक ठाक है? राम राम जी। अरे अमित। हाँ पिताजी। जा चिलम भर लिया। ला रहा हूँ पिताजी। दीपक। हाँ पिताजी। जा चाय बनवा के ला मेहमानों को। जी पिताजी अभी लाया। ठीक है सब। भाई मेहमान पिछाड़ में ना आए। ताऊ ये मेरे मुस्सा है और इन्हें लड़के की जरूरत है, इनकी लड़की ब्याह लागूरी। अच्छा। हाँ लो जी, हमारे तो यू राजू कुआरा रह रहा, इससे बड़े दोनों का ब्याह हो रहा। किस लाला का रिश्ता ले लो आप? चौधरी साहब ये महेश है और तुम इसके मौसा हो, हमको तुम्हारे से बाहर है।
जैसा करो कर लो। ठीक है जी। लो जी चाय पियो। लो जी। चौधरी साहब मेरे पास लड़की लड़की है पर मेरे पास धंदौलत तो मेरे पास है नहीं, एक रुपए का रिश्ता है। चौधरी साहब दो लड़कों का ब्याह करा है, धंदौलत से तो घर भरा पड़ा है, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमें टाइम पे दो रोटी दे दे। चौधरी साहब हमारी लड़की ऐसी है आपके खूब सेवा भाव करने की कोई शिकायत नहीं आने। ताऊ मेरी देखी भाड़ी है थारी खूब सेवा करेगी और मैं मुझसे नहीं ले गया यहाँ। अच्छा चलो फिर करो तैयारी। ठीक है ताऊ पंडित जी पे ब्याह सुनवा लो और करो तैयारी। ठीक है और क्या। अच्छा चौधरी साहब हम चल रहे। ठीक है जी। राम राम जी। राम राम जी। वहीं रख दो मम्मी जी। हे मेरे भगवान क्या हद कर दी इन बहुआ ने, मारे तो घर का राम ही रखवा ला है। क्या हो गया मम्मी जी। क्या हो गया, तू यहाँ नाच रही, घर का सारा काम नुए पड़ा। मम्मी घर का काम पिंकी खा गई। ए तू यहाँ नाच रही और वो वहाँ फोन पर लग रही, घर के काम को तो बस मैं ही बची। देवर जी, देवर जी। अरे भाभी मैं अपने सपने में अपनी प्रेमिका से मिल रहा हूँ। अब तो हमारे घर में देवरानी आने वाली है, प्रेमिका के सपने छोड़ो देवरानी के शुरू कर दो। भाभी मैं तो खुश ना हो रहा, मेरी तो मन की मन में ही है। शादी के समय पर तो सभी खुश होते हैं देवर जी, नेक देने की मारी कैसा मुंह बना रखा है। देवर जी मुंह उतार ले या चढ़ा ले, नेक तो हम लेकर ही रहेंगे। अरे भाभी नेक तो तुम ले लियो, पर मुझे ठंड लग रही है, मुझे कपड़े पहना दो। देवर जी आहा जड्डा भी उतर जाएगा, हमारी देवरानी को तो आने दो। भाभी तू तो खुश हो रही है और मैं गया फंस। देवर जी अभी कहाँ फंसे हो, देवरानी का आना दो, फंसोगे तो तब। अरे अभी तैयार ना हुआ तू, अरे लाली जल्दी तैयार कर दो राजू को, देर हो रही है, जल्दी चलो। अरे माँ जाओ जल्दी करो। देवरानी
भाई जल्दी करो, आगे को लेट हो रहे हैं। बेटी वाले के दरवाजे समय से पहुंचो।
डंपी, सारे घर में ये चर्चा हो रही थी, बहू बहुत सुंदर आएगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पिंकी, हमसे तो सुंदर बहू है ही नहीं। इससे तो हम ज्यादा सुंदर है। पिंकी, सुंदरता तो देखी भी जाए, पर ये तो दहेज में कुछ भी न लाई। ये तो खाली हाथ हिलती चली आई। ओ मम्मी, जरा इधर आना। के बात हो रही बेटी? मम्मी, दहेज का सामान पीछे ट्रक में आ रहा है, बाद में आऊंगा। ए बहू, बस आ जा लिया। यू तो हाथ का पंखा भी लेकर ना आई। ये सारी करतूत थारे ससुर की है, मारे क्या ब्याना होवे थे। बस तो मम्मी, इस बारे में पिताजी से बूझियो। ठीक है बेटी, उनते ही पूछूंगी। हैं? मैं सपना देख रहा हूं या सचमुच वही है? सपना नहीं, मैं सचमुच में वही हूँ। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। मेरे तो अब जी में जी आया, मेरी आत्मा अब खुश होगी। तुम ना मिलते तो मेरा जीना मुश्किल था, नहीं तो मैं ऐसे तड़पती जैसे जलबिन मछली। सीमा, सच्चे प्रेमी का तो भगवान भी साथ देता है। मुझे भी भगवान पे पूरा यकीन था। सीमा, जब भगवान ने हमारी जोड़ी बनाई है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें। मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस भाई थम जा। राजू देख, हम के लाए तेरे लियो। एक पैक तू भी ले ले ब्याह की खुशी में। अरे तमी पी लो इसे, तमी बनी रही हूं। अरे क्या हो गया, जब यू कह रहा तो थोड़ी सी ले ले। भाई थारी सारी बात मानूंगा, पर दारू को ही ना कह दियो मेरे से। अरे नहीं नहीं, बहू के दौरे तो पी के जाना चाहिए। अरे जब थारे मैंने कह दी मुझे ना पीनी तो ना पीनी, थारी कुछ जबरदस्ती है मेरे पे। अरे मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, एक पैक तो ले ले। अरे तुम तो बेवड़े हो, तुम्हें घर की इज्जत का तो कुछ ख्याल है ना, जैसे तुम खुद हो ऐसा ही मुझे करना चाह रहे हो। अरे एक आधा तो ठीक रह लो, यू घर चल जाएगा, नहीं तो दुनिया मुंह में थूकेगी। यूं कहेंगे तेजवीर के सारे एक से हो गए। अरे दुनिया कह के हम खान जा रहे अपने घर ते पी रहे, और दुनिया को कोई दिक्कत हो ना हमारे से आके कहवे राजू ले पी से। जब मैंने थार ते कह दी ना पीनी, तू जबरदस्ती कर रहे हो मेरी गैल। अरे मन में क्या चल रहा है? अरे मन में क्या चलता, जब तुझे पियानी है तो पिया के छोड़ देंगे। अच्छा तुम पिया दोगे मुझे? हाथ लगा के दिखाओ। बावड़ा मान रहे हो, पियानी है पियानी है। अरे दुनिया अपने भाई को सुधार एक रहे, तुम बिगाड़ने पे लग रहे हो। अरे कैसे भाई हो तुम, घर का कुछ ख्याल तो तुम्हें है ना? ओहो घर का तुझे बहुत ख्याल है। अमित पकड़ इसे। पिताजी राम जादो, मेरे घर का नाश कर दिया, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। इस पे चलवा लिया घर, सिर पर चढ़ा रखा है। पिताजी चाय। खुश रहो। पिताजी मैंने गर्म पानी कर दिया, आप नहा लो, तब तक मैं खाना बना रही हूँ, फिर खाना खा लेना। धर्मवती देख, ऐसी हो बहू, तू जो दहेज दहेज कर रही, दहेज को का खा के मरेगी। अजी नहीं नहीं मुल्ला नहीं, अल्लाह अल्लाह पुकार रही है, दो दिन हुए नहीं उसको आई को,
इतने में क्या देख लिया तुमने उसका? अरे माँ तू दर्द बता रही, मैं डॉक्टर के तो गोली लाया हूँ, ताजे पानी से ले लिए। देख ले अपने बेटा को कितनी सेवा कर रहा, और वे दोनों है पिए फिर रहे। अरे माँ तू इन बातों को छोड़, तू गोली ले आराम कर ले। अरे बेटा यू कल से ताजी बिना हुआ, इसे ताजी कर लिया और एक चिला में टाट का भर लिया, इतने में नहा लू। ठीक है पिताजी। खेत में जा रहा हूँ, सरसों वाला खेत भर का होएगा और मैं गेहूं वाले में नाका करिया हूँ। जा करिया। ठीक है पिताजी। ठीक। अरे दीपक की माँ, मेरा राजू और छोटी बहू लाखों में एक है। हाँ हाँ तू भी तो लाखों में एक है, धरा गया मेरे कर्म में। सास ससुर की बहुत सेवा कर रही है, कभी गर्म पानी कभी गर्म खाना, वाह जी वाह। हाँ जी जी तुम्हारे देवर कह के गए थे पापा जी को बाहर जाना है, गरम पानी कर दूं और फिर खाना बनाना है गरम। हाँ हाँ अब तो देवर तुझे ही कहने वाला हो रहा, हमने तो ना कभी गरम पानी करा ना खाना बनाया, तू ही जाना करना। क्या बात है पिंकी, आज तो नई बहू से बहुत घुट घुट के बतला रही है। क्या घुट घुट का बतला रही हो, तुम्हारे साथ बहुत बड़ी हो रही है। बड़ी कैसे हो जाएगी, बड़ी तो हम दोनों ही रहेंगे। जीजी मैं तो बड़ी ना बननी और ना मैं तुम्हें कुछ कह रही। तू हमें कुछ कह भी सका है, तेरी जुबान ना खींच लूंगी। हमने तो अपने सास ससुर की ना मानी, तू तो है क्या चीज। आज तीनों दुरानिया जिठानिया मिलके के बतला रही हो। यू के बतलाने का काम छोड़ देगी, तो ज्यादा बड़ी बन दी है। मम्मी तुम ही बताओ, बड़ी तो हम ही रहेंगे, इसको कैसे बड़ी बना दे। मम्मी मैंने तो कुछ ना कहा, यही बात का बतंगड़ बना रही है। बस बस रहने दे, रोटी तो तेरे पे अब तक बनी ना। मम्मी रोटी तैयार है, लो ले जाओ तुम। देख बहू ये तेरी दोनों जिठानियां हैं, इनसे ज्यादा जुबान न लड़ावे। ना तो तू दहेज लाई ना माल लाई, इनसे ज्यादा जुबान मत लड़ा। हमने तो इनका घर भर दिया, तू तो एक हाथ का पंख भी न लेकर आई। सीमा के बात हुई, क्यों रो रही है? नहीं कुछ नहीं हुआ। देख सकता हूँ मैं सब कुछ होते हुए? नहीं मैं नहीं देख सकता तुम्हें रोते हुए। कुछ ना, बस किसी बात पे गिला सा आ गया था मुझे। अरे किस बात पे गिला आया, मुझे ना बताओगी तो बताओगी किसे? कल से तुम्हारी भाभी और तुम्हारी मम्मी मुझे बात बात पे ताने मारे जा रही हैं। ताने मारे जा रही है, किस बात के ताने मार रही है, मुझे साफ साफ बता। दहेज के ताने, यूं कहवे तू तो हाथ का एक पंखा तक न लाई, खाली हाथ हिलाती चली आई।
अरे माँ, अरे क्यों रुआ रखे तुमने उसी माँ? अरे माँ, अरे सीमा क्यों रुआ रखी है तन्ने? तेरी बुद्धि खराब है, मैं क्यों रुआती सीमा को? अरे वो तो न्यू कह रही कि दहेज न लाई कुछ भी, दहेज को खा के मरेगी। अरे क्या गलत कह दिया, ये बहू अभी भी अपने पैर से कितना कितना सामान लावे। फिर लावे तो क्या करूँ, मैंने तो वही दहेज है, वही है सब कुछ। तेरी तो बुद्धि खराब है। दहेज, दहेज से छिकी ना है, ये टाइम पे हमें तो रोटी मिल जा तो इन्हें भी खोएगी। थारी तो अकल खराब हो रही। पिताजी मैं क्या करूं, कहां जाके मरूं? उनके तो सीमा रो रही है और माँ के ड्रामे तुमने देख लिए। अरे तेरी माँ की तो आदत खराब हो रही है, जब बहू को जाके चुप कर दे समझा बुझा के, ऐसी कोई बात ना है। सो यार की चक्की भाई। अरे अमित, आज हम तो तेरी बाटी देख रहे। अरे पैसे का भी तो जुगाड़ करना था, कल तो तुम जुए में जीत गए थे, आज देखेंगे तुम जुए में कैसे जीतोगे। लगा बाजी। लगाओ। पत्ते काट रहे। ले भाई। ले भाई, 2000 की बेगम है मेरी। रे जल्दी कर। आगे बेगम, जल्दी दे पैसे। रुको। ले भाई। पुलिस वाले का ध्यान ना गिरे। ले भाई। रे जल्दी कर, 2000 का इक्का है मेरा। ध्यान आके पुलिस वाले का भी। जल्दी कर, जल्दी कर यार। ₹2000 लगा दिए। निकाल। हाँ इसे खवा दे परम थे, यू आया पाकिस्तान के बॉर्डर से युद्ध जीत के, इसने हमारी इज्जत खराब करवा दी। क्या हुआ पिताजी? पिताजी क्या हुआ? इन्हें दर्द है। क्या हुआ आपको पिताजी? क्या हुआ तुम्हें? अरे मेरे सीने में दर्द है भैया। अमित तू जल्दी गाड़ी ले आ, पिताजी को डॉक्टर के लेके जाना है। मैं रात का जागा हुआ हूँ, मेरे बस की ना, पुलिस ने मेरी दही तोड़ रखी। ओ भैया दीपक है। भैया राजू तू ही चला जा बेटा, मैं हूँ तेरे पिताजी के पास। मां ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, जल्दी जा। पिताजी, पिताजी चलो, पिताजी माँ पकड़िए पिताजी को। राजू के पिताजी कुछ तो बोलिए, क्या हुआ आपको? अब हम कब तक ऐसे छुपके मिलते रहेंगे? किसी ने देख लिया तो क्या होगा? काजल कुछ नहीं होगा मेरी जान, हम इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। मेरे राजा दीपक, तूने तो मेरे मन की बात ही छीन ली। एक दो दिन में तैयारी करके फिर यहाँ से भाग चलेंगे। ओ मेरे दिलबर, वो दिन भी कैसे होंगे जब हम दोनों साथ साथ रहेंगे। तुम फिक्र मत करो मेरी जान,
जब हम साथ रहेंगे वो दिन अलग ही होंगे। अरे कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ना भाई, यू मुझे छेड़ रहा था। तू तो तेजी का बड़ा लड़का है ना, यू क्या कर रहा है? चल पंचायत में। हाँ भाइयो, पंचो या पंचायत क्यों बुलाई गई है? प्रधान जी, इस तेजवीर के छोरे ने हमारे गांव की लड़की की इज्जत पे हाथ फेरा। क्यों रे, जो ये कह रहे ठीक कह रहे ना? प्रधान जी, जो बड़े भाई बात बता रहे ना, बिल्कुल सही बता रहे, यकीन ना हो ना। राम सिंह से पूछ लो, इन्हें ही देखा। हाँ भाई राम सिंह, बात सच्ची सच्ची बताइए। भाई प्रधान जी, मैंने यो लड़का दीपक और एक लड़की को मौके पे पकड़ा था। मैं उधर खेत से पानी चला के आ रहा था। भाई पंचो, बात तो सच्ची है, पर गांव की इज्जत की बात है, इस बात का निस्तारण यही कर लो, जो सजा देनी से यही दे लो। तेजवीर भाई, तू बता तेरे छोरे को क्या सजा दे? मैं सजा तो भाई से देनी पड़ेगी। लो दीपक के बापू, रोटी खा लो। मुझे दीपक का बापू ना कह दिए, इन दोनों ने मेरी नाक कटवा दी, मैं गांव समाज में बोलने लायक नहीं छोड़ा। लौंडे लुहार से गलती हो ही जा करे तो क्या घर से काट दे? तू ले रोटी खा ले। ये तय नहीं बिगाड़े, एक दिन तू खड़ी खड़ी रोवेगी। जा, मैं ना खाता रोटी। सीमा, ओ सीमा। हाँ मम्मी जी। तेरे पिताजी ने तो रोटी खाई नहीं, तू ही खवा के देख ले। लाओ मम्मी जी। पिताजी, पिताजी, लो रोटी खा लो। बस बेटी, रोटी तो कहीं आ गए ही खाएंगे। अजी यहाँ सुनियो। हाँ क्या बात है? पिताजी रोटी ना खा रहे, पता ना कैसी कैसी बात कर रहे। पिताजी के हुआ, रोटी जो खा लो। पिताजी, पिताजी के बात है, रोटी जो खा लो। बेटा राजू, मेरा तो पेट गले लो भर गया तेरे इन दोनों भाइयों ने। लो पिताजी, जो इच्छा हो सो खा लो। क्या हुआ पिताजी? बस मेरे घट में गुना चल रही, मेरा तो कल वाला दर्द हो रहा है, मुझे तू लुटा दे। सीमा लुटाइए पिताजी को।
लौट तुम आराम करो। सीमा देखी पिताजी को तो पसीना सा आ रहा है। सही कह रहे जी तुम। अरे माँ, अरे देखिए पिताजी का क्या हुआ। पिताजी। बेटा राजू। हाँ जी। दीपक, अमित और उनकी बहू सभी को बुलवा ले। ला रहा हूँ पिताजी। पिताजी, पिताजी, पिताजी। अजी क्या हो गया तुम्हें? देखो तुम दोनों ने मैं बोलने लायक तो कहीं छोड़ा नहीं, मेरी नाक जर्जर कटवा दी। ऐसा करो मेरे जीते जी न्यारे हो जाओ। अब न्यारा कर दे, थारी रोक टोक तो पीछे छूटेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे भैया। बेटा राजू, तू इनते चौकस रहिए और इनकी तरह गलत रास्ते पर मत चलिए और बेटी सीमा का ख्याल। राजू, पिताजी की आखिरी इच्छा थी न्यारा करने की। भैया, पिताजी की आखिरी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। देख लो ऐसा जैसा ठीक समझो। देखो बेटा, एक एक सामान को अपने हिसाब से बांट लो। ले बांट दिया, दो भैंस हैं, एक मेरी एक अमित की, एक कटड़ा वो राजू तेरा। भैया छाट तो हमेशा छोटे की होक रहे। अरे राजू, जो बड़े भाई ने कर दिया ठीक कर दिया। और मारे तीन कमरे, एक में तो मेरा सामान भर रहा और एक में अमित का धरा और तीसरा माँ का, नहीं तो लोग नू कहेंगे कि माँ को रहने को जगह नहीं दी। और मैं कहाँ रहूंगा? अरे तेरा कतेक सामान है, तू डोरो वाले में रह लिए, अपनी खाट वहीं गेर लिए। बेटा राजू, तुम दो जी हो, तुम उसी में रह लियो। अजी मारी भैंस कहाँ बंधेगी यार? क्यों जी, हमारा भूस कहाँ गिरेगा? जी जी, तुम अपनी भैंस भी बांध लियो और तुम अपना भूस भी गेर लियो, हम तो बाहर चौक में रह लेंगे। पिंकी और डंपी, उनका भी रहा हो जाएगा। और सुन राजू, मारे एक ही ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर मुझे दे दो भैया। भाई ट्रैक्टर तो हम तजा दे देते, पर मारे पे तीन हिस्से जमीन है और तेरे पे एक हिस्से जमीन है। ट्रैक्टर की कीमत 1,00,000 रुपए धर दी और तेरे हिस्से में आए 25,000। अब सुन, 25,000 की तेरे ब्याह में 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई थी, मैं अपनी ससुराल से लेकर आया था। तो अमित, 20,000 रुपए तो उनके पहुँचा देंगे और रहे 5,000 वे तुझे नगद दे देंगे। राजू, दीपक भैया आप जमीन भी बांट दो। जमीन हमारी तीन जगह है, नहर वाला, ट्वेल वाला और भूड वाला। नहर वाला तो मेरा और ट्वेल वाला अमित का और माँ का, और बचा भूड वाला वो राजू तेरा। भूड वाले का मैं क्या करूँगा, उसमें पानी ना पात। उसमें पानी ना पात, वहां तो तेरे लिए नहर खुदवाओगे। नहर ना खुदवाओ तो मैं तो चक लूंगा ट्वेल वाला। ट्वेल वाले चक की तरफ को लखा भी मत दिया, नहीं तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। चकले हुआ तो ट्वेल वाला ले, वो चाहे कुछ भी हो जियो। अरे बेटा राजू, जो फैसला हो गया ठीक हो गया, भूड़ वाले चक में भी कोई खराबी ना। इंसाफ करने वाला तो मर गया और तू भूस पे लिप है। हम तो चले जाएंगे यहाँ से, यही बोलेंगे इसे।
तू क्यों जावे यहाँ से? अपने को बोखा के बोखा? भैंस इनकी, मकान इनका, ट्रैक्टर इनका, बढ़िया जग इनका, मेरा यहाँ ही के। राजू, हमने तुझे सब कुछ दे दिया, यहाँ रह या कहीं और? चल सी मार से, अपने लत्ते के पले मार ले, यहाँ करना ही के, जब मेरा कुछ है ही ना, जब मेरा यहाँ भगवान ने दे दिया। अरे बेटा, कहाँ जाएगा तू? क्यों बावड़ा हो रहा? जा, मेरा नाम ले जाएगा भाई जब। अरे राजू, यू हाथ में बैग लिए दोनों कहाँ जा रहे? के बात हुई? अरे रोवे क्यों है? के बात होगी? अरे राजू रोवे क्यों है? रोवे ना, बात बता क्यों हुई? होता क्या भैया, घर वालों ने न्यारे कर दिए, इन्हें कुछ भी ना दिया। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? भैंस घर उन्होंने ले लिया, ट्रैक्टर उन्होंने ले लिया, भैंस ले ली, बढ़िया खेत ले लिए, बता मैं क्या करूं? मैं उस घर की दाढ़ी में कभी पैर ना रखूं। अरे अब के करेगा? अरे कहाँ जागा भाई? यार पहले तो कहीं रहने का जुगाड़ करवा, फिर मैंने मैकेनिकल से आई टाई कर रखी है, कुछ हिलने का जुगाड़ करवा। अरे तू एक काम कर, तू मेरे वहां चले जा, मुझसे अपनी ससुराल। अरे ना भाई, शर्म आवे। भैया ठीक कह रहे, शर्म क्या होती, हमारा घर है। चल जब तेरी ऐसी लागी तो चल महेश, हमारा पता सता लेता रही है। हाँ हाँ क्यों ना। अरे तू बे बे बेघर होके जा भाई, हम तेरी कैद है। नमस्ते बेटा, की बात है, कैसे? पिताजी, भैया और भाभी ने घर से निकाल दिया हमें और कुछ भी ना दिया। कोई चिंता की बात नहीं, ऐसा होता है, जीवन में होता है ऐसा। बेटा राजू, तेने ठीक किया, जो तू सीमा को लेकर यहाँ आ गया। पिताजी ये तो मना कर रहे थे कि मुझे शर्म आवे। शर्म शर्म कहे की, ऐसा ही वो घर, ऐसा ही वो घर है। रोमा जाओ चाय लाओ बना के। सुन पा, हमने सीमा और रोमा तो रहेंगे घर, मैं तुझे एक जगह लेके जाऊंगा, मेरे मिलने वाले की कार की वर्कशॉप है, तुझे वहां छुटवा दूंगा, काम तेरे पे आवे ही है। ठीक है पिताजी। पिताजी जिज्जा जी चल के आए, थक रहे होंगे। ठीक है बेटा। ना रोमा, थका थकाया ना हूं मैं। ठीक है, रहन दो, मैं खाना बना रही हूँ, खा के आराम करो, वहां कल चले जाइयो।
पहुने रोमा ठीक करिए, वहां कल चल जियो। और जो है रोमा, तुम खाना बना लो, सीमा बेटी तुम भी आराम करो। कुछ समझ में ना आ रहा। एक काम कर, तू इस गाड़ी का बोल्ट कस, उसे मैं देख रहा हूँ। उस गाड़ी का नोजिल नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं देख रहा हूँ उसे, मैं ठीक कर रहा हूँ। तू इसकी बेल्ट खींच इतने। अजी तारा आशीर्वाद है और ऊपर वाले की दया है। ऐसा उस गाड़ी का तीसरे गियर काम नहीं कर रहा। इसका गियर बक्सा खोल के और तीसरे गियर की गलानी बदल दे। ठीक है भाई साहब, ठीक है तो जाओ। राजू तुम इस गाड़ी को दे, मैं बात पर वाली बुला लो, ठीक है? और फिर इसको कर दे ब्लेड चला। ला पाना दे, 14-17 की चाबी भी दे। है? ये क्या कह रहे? हाँ थोड़ा उठा, उठा उठा, धकेल 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 धकेल। अरे बोल्ट कैसे दे? हाँ नीचे कैसे नीचे? हाँ। अरे इसमें गोटी फंसा दे, पाना दे मुझे। थोड़ा नीचे को। दीदी जीजा जी रोज ऐसे कर रहे हैं? नहीं तो आज पहली बार ही कर रहे। दीदी मुझे तो डर सा लग रहा। इसके नोजिक प्लंजर बदल के देख, फुहारा जब सही लगेगा इसका। जीजी फुहारा? कैसा फुहारा? चल पर है, मुझे ना पता, कोई पूछ ले अपने जीजा से। जीजा जी, ओ जीजा जी, आज क्या का फुहारा मार रहे हो? तू इस टाइम यहाँ? तुम तो घंटों से बड़बड़ा रहे, मैं तो डर के मारे रोमा को बुला के ले आई। हाँ जीजा जी, तुम तो कभी फुहारा, कभी नोजिल, कभी पिस्टल, पता नहीं क्या क्या गा रहे थे। अच्छा, वो तो मैं दिन में वर्करों की बात याद रहेगी होगी। रोमा जा तू सो जा जाके। ठीक है जीजा जी, आराम से सो जाइयो। दिन रात काम ही काम, कभी ना लेते तुम प्यार का नाम। रे मेरी अनारकली, तू तो मेरी जान है। मेरी जान का हो जाओ, कभी घुमाने भी ना ले जाते। अरे कल तो मेरा इंटरव्यू है, वहां से आने के बाद तुझे घुमा के लाऊंगा पक्का। चल अब लौट जा, लौट जा अब। पता ना मित्यु अधिकारी किस टाइम आओगा। हाँ भाई तू ठीक कह रहा, आ इतने कुछ गप सप लड़ावे। बता कोई ऐसा गप सुना जो सब पर गपी ना हो। तो सुन, मारा इतनी लंबी खोर है, सारे हिंदुस्तान के ढोर उसमें न्यार खाले। चले मारा इतना लंबा बास है, चाहे आसमान में छेद कर ले। अरे भाई तम उसे डरो कहीं में थारी खोर में।
अरे भाई वे के बुझे, बस तीन सवाल पूछे। मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा? नरेंद्र मोदी है जी। तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? 1857 में नी देरी गई जी और 1947 में होलिया। 97 से पागल तू है या हम? अजी इस पर जांच चल ली। चलो भागो यार। अरे ये गाड़ी भी सही ना हुई है। उस्ताद इस गाड़ी का समझ में नहीं आ रहा है, हिट हो रही गाड़ी। हीट कैसा हो रही है यू? उस्ताद मुझे ऐसा लग रहा है इसकी वाटर बोटी निकली होगी। जा तू 10 बार चाबी लेके आ। राजू आया तो मैं अभी हूँ, लेकिन तेरी मेहनत को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। जी मालिक। राजू मेरी दो नक्शों को हो रहा है, मैं इतना टाइम नहीं दे पाता। तो मालिक आदेश करो। राजू इस वृक्षों की देखभाल अपने हाथों में ले लो। ठीक है मालिक, जैसी आपकी इच्छा। आज के बाद मालिक राजू है तुम्हारा, जो ये कहेगा वो करोगे। ठीक है सर। ए पिंकी, एक गिलास पानी पिला जा। देखिए मेरा जी लिकड़न को हो रहा। सुबह तो पिलाया था, फिर प्यास से मर गई। टंपी, हाँ तू ही पिला दे। इस बुढ़िया ने नाक में दम करके रखा, खुद पीले उठ के टूट गए तेरे। अरे बेटा दीपक, तन सा पानी पियाता जाइए, मैं प्यासी मर रही। इस बुढ़िया ने भी चिक दे दी, इसका रोग ना कटता। ले पी, ले चिक के पी। बुझ गई तेरी प्यास? ले खा ले इन्ने, मरती भी ना। ए भगवान, आज मेरे दीपक का पिताजी जिंदा होता तो मेरी ये दुर्गति ना होती। एक मेरा बेटा राजू है जिसने मुझे कभी तू कहनी ना जानी। ओ दीपक, दीपक वो तो ना आया। ताई तो ठीक ठाक है, सेवा पानी तो ठीक हो रही। देखो भाई साहब, माँ जी को सुबह उठकर सबसे पहले चाय पिलाती हूँ और फिर गर्म पानी में नहलाकर खाना खिलाकर शाम को एक गिलास दूध गर्म कर उनके पैर दबाकर चलाती हूँ। अच्छा, ताई की तो खूब से सेवा पानी हो रही, पर ताई है कहाँ? मैं कहाँ लेटी हुई हूँ। अच्छा, ताई राम राम। अरे ताई ठीक तो है?
क्या ठीक ठाक, ये तो मुझे एक गिलास पानी भी ना देते। अच्छा ऐसी बात है भैया, मेरा राजू से मिलने को जी कर रहा, कहाँ है वो? ताई वो तो अपनी ससुराल में रहे। जब मैं ठीक सी हो जाऊंगी तो उससे मिलके आऊंगी। ठीक है ताई, अच्छा मैं चलूं, मैं लौट जा। लाला, सीमा के घर जाना मुझे, कौन सा घर है? अच्छा बेटा। माँ जी, यू के हाल बना रखा तुमने? बेटी सीमा, मुझे माफ कर दे। माँ जी, मैं उनके चक्कर में आके रोमा। एक पतीला पानी गर्म कर, इन्हें नहवाएंगे और इनके कपड़े बदलेंगे। ठीक है दीदी। माँ, अरे तू कद आई? बेटा जब से तुम आयो मेरी दुर्गति कर दी, एक एक बूंद पानी को तरसा दी मैं। अरे मुझे पता करवा देती, मैं ले आता जाके। बेटा मुझे पता ना था तू कहाँ रहे, वो तो मुझे महेश ने बताई जब मैं यहाँ तक आई। अरे माँ, अब तू जब तक जीवेगी ना मेरे धोरे ही रहिए। टाइम से खाइयो, टाइम से पियो और आराम से रहियो। बेटी तू मेरी कितनी सेवा करे है मुझे पता है, मुझे शर्मिंदा ना करे। माँ जी, यूं तो हमारा फर्ज है। बस मेरी तो एक ही इच्छा है कि मैं अपने पोते को खिलाऊं। अरे माँ, वो दिन भी भगवान जल्दी लावेगा, तू क्यों परेशान हो रही है? चलो माँ जी, तुम नहा लो और कपड़े बदल लो, गर्म पानी हो गया होगा। सीमा एक गिलास पानी लेके आ मेरे लिए। चाय ला दूं जी? अगर चाय ले आओगी तो दिल खुश हो जाएगा। कल जो गाड़ी आई थी डेंट पेंट के लिए और इंजन के लिए, वो ठीक होगी? हाँ मालिक, ठीक होगी, वो डेंट पेंट के लिए जा रही है। दाऊद, जो कल 17/22 सेंटर ठीक होने गई है, उन्हें 17,000 दे दिया आपको? हाँ सर, चेक दे गया। मालिक तुम चले गए थे, वो 34,09 वाला पैसे दे गए 11,000 रुपये। ठीक है ठीक है, तुम उन्हें बैंक को डाल देगी उस्ताद जी। गाड़ी का मेरा नुकसान हल्की से आवाज कर रहा। ठीक है, मैं उससे देखता हूँ। अरे विकास, जल्द 5 चाय ले जाओ। पिंकी, रोटी ले आ, बहुत जोर की भूख लग रही। घर में चूना है, रोटी कहाँ से लाऊं? चूना? तू एक काम कर, मुझे 500 रुपए दे दे, चून भी ले आऊंगा और सब्जी भी लेता हूँ। मेरे पे कहाँ से आए 500 रुपए, मेरे पे ना आए? अरे दे दे मेरी जान 500 रुपए, परसों को आऊंगे तेरे दे दूंगा। ला रही हूँ जाके। लो,
और मुझे परसों को दे दियो। ठीक है, दे दूंगा परसों को। बैठो जी, मैं चाय ले आऊं। चाय वाला कुछ ना, मुझे पैसे चाहिए भाई। मैं थारे इंतजाम में लग रहा, 2-4 दिन लगेंगे, मैं थारे ब्याज सुद्धा दे दूंगा। अरे अमित, यू कौन है? भैया मैंने इन पे 10,000 रुपए लिए थे 8 दिन को कह के ब्याज पे, 1 महीना हो गया, मेरा ब्योत सा ना लगा। अजी पैसे भी आते जाते रहेंगे, तुम बैठो और पैग लगाओ। भाई पैग कुछ ना, मुझे चाहिए मेरे पैसे, अब तो मैं जा रहा हूँ। अब क्या मैं आऊँ, मुझे पहले पैसे चाहिए। ठीक है, आ अमित पैक लगाऊंगे। डंपी, मैंने एक आदमी पे 10,000 रुपए लिए और अब वो अपने पैसे मांग रहा। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी रानी मेरी जान, मुझे ये अपने कंगन दे दे, मैं फिर बनवा दूंगा। मैं ना दूं अपने कंगन? मारी बेइज्जती होने लग रही और तू कंगन पैर का सज रही। मारे घर की है ये कंगन, मैं ना दूं? कंगन दे यू। मैं ना दूं ये अपने कंगन? मारी बेइज्जती होने लग रही और तू कंगन ना देगी? ये लो कंगन, मैं तुम्हारे पैसे दे जाऊंगा और अपने कंगन ले जाऊंगा। ठीक है, ले जाइयो। क्यों जी, ले आए चून? चून चून भी आता रहा होगा, आजा पहले एक पैक लगा। थारा तो हो रहा दिमाग खराब, चून तो लाए ना, उन पैसों की दारू की बोतल ठा लाए। आराम जादी, तू रोक क्या हमें दारू पीने से? अरे दीपक है के? दीपक, अरे दीपक है के? कौन है बे? ला भाई हमारे पैसे दे। तूने 1 महीने क्या कर लिए, आज 6 महीने हो लिए, 50,000 लिए तूने। अरे पैसे दे दे होंगे। मैं यू ट्रैक्टर लेके जा रहा हूँ, पैसे दिए यो, ट्रैक्टर ले जियो। चल भाई स्टार्ट कर ट्रैक्टर। माँ, ये दुर्गा माँ की तस्वीर है, यहाँ पे प्रसाद चढ़ा दो। हाँ बेटा, दुर्गा माँ तो सबकी माँ है, इसके दर्शन हम जरूर करेंगे।
ए रोमा माजी को पकड़ के रखिए, कदी गिर जा। जिज्जी मन्ने माँ तो पकड़ रखी, पर तू जिज्जा को पकड़ के रखिए, कभी रपट न जा। अगर मेरी पट गया ना तो तुम्हें कौन थामेगा, पड़ी रहोगी ही। जिज्जा थार पर तो जिज्जी ना थम रही। अरे मारी साली जवान होगी, तू तो बहुत जवान लड़ान लगी। हाँ जवान होगी अब मैं, पहले बड़ी तुमने मुझे गुलकंद खवा रखी। अरे गुलकंद के, तू तो मेरी साड़ी है, तू जो कहेगी तुझे वो खवा दूंगा, बता की खाओगी। तो जिज्जा आज ऐसा करो, भगत जी की बालूशाही खवा दो। ठीक है, बालूशाही भी खवा देंगे आज। अजी बात ही करते रहोगे, घर भी तो चलना है। अरे घर भी चलेंगे, पर माँ मुझे एक बात तो बता, तेने दुर्गे माँ से मांगा की है। अरे बेटा घर को चल, मन्नत पूरी होने पर बता दूंगी। अरे मैं तो तेरा बेटा हूँ, मुझे कान में बता दे क्या मांगा। ले ना मानता तो बता दूं, मैंने तो दुर्गा माँ से पोता मांगा है, पोता। चलो ठीक है। सारा काम खराब हो गया, अब कैसे काम चलेगा। देख भाई दीपक, यू जो मारा शराब की लत लग रही ना, इसने हमारा बेड़ा गरक कर दिया। ठीक कह रहे जी तुम, तुम्हारी इन बुरी आदतों ने और ये हमारे बुरे कारनामों ने ना हमारे इस घर का सारा नाश कर दिया। अरे दीपक भाई, मैं खेत बताया था और वे बिजली वाले थारी ट्यूबवेल का कनेक्शन काट के केबिल मिलेंगे। अथारा भला हो जा, खेत भी सूख जाएंगे अब तो। अरुण मिला था जिसे तुमने धरती बेची थी, नु गया था अपने खेत में तो मुंजी काट लेके, फिर मैं खेत बुहारा रहा मैं चलूं। भैया अब तो दूर दूर तक भी पैसा दिखाई नहीं दे रहा, पैसा कहाँ तला मैं। हम तो अपने घर से बतेरा लिया है, जब भी थारा पूरा ना पटा। भाई अमित अब तो एक ही रास्ता है, महेश बता रहा था मारे राजू का काम बहुत बढ़िया चल रहा। ठीक है तो राजू तई कुछ मदद मांग लो। हाँ अमित, राजू ने कई तो प्लॉट ले लिए, अपनी गाड़ी है, एक वर्कशॉप है, बहुत पैसे वाला हो रहा। ठीक है भाई, जैसा करो कर लो। चलो चलो। अरे की बात है, आज तो भैया भाभी सारे आ रहे हो। भैया आ जाओ बैठो। ओ सीमा, अरे भैया भाभी आए, जा चाय पानी लेके आ थोड़ी घनी। और बताओ भैया। मम्मी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मम्मी हमने तुम्हें बहुत दुख दिए। बेटी खड़ी हो जाओ, सब समय समय की बात है। जीजी चुप हो जाओ, तुम रो मत, तुम बैठो, मैं चाय लाऊं तुम्हारे लिए बना के। तू जा चाय ला बना के। भैया काम कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है। भैया राजू जब से तू घर से आया हमारे पे तो ऐसी ग्रह चढ़ी, सब धंधा चौपट हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। आज कैसा आना हुआ भाई। चाचा जी नमस्ते। चाचा जी नमस्ते। भैया के बात हुई, साफ साफ बताओ हुआ के। राजू हम दोनों को शराब की लत पड़ गई, खेतों में हमने कुछ करा नहीं, सिर पर कर्जा हो गया। अरे भाई ट्रैक्टर को कर्जे वाले ले गए और ट्यूबवेल का कनेक्शन कट गया। भैया कहते तो शर्म आवे, 5 बीघे जमीन भी बिक गई। अच्छा तो सारा नाश करके जब आयो मेरे दौरे। जब तुम न्यारे हुए हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा,
तुमने सीमा के लिए बहुत गलत करा। सीमा, हमने तो बहुत दुखी करी, हमारी सारी गलती माफ कर, चल तू घर चल। हाँ जीजी, अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे। जीजी, ना मुझे पहले कुछ शिकायत थी ना अब है। अब माँ जी खड़ी हैं, तुम्हारे देवर खड़े हैं, मैं तो इनके साथ हूँ। वो दिन आज भी याद है मेरे, जब मैं प्यासी तड़प रही थी। अरे माँ छोड़ अब इन बातों को। हाँ भाई, तुम बताओ अब क्या चाहो। अब हम यू चाहे तुम सब घर को चलो, हम सब मिलजुल के रहेंगे। अरे घर तो मैं चल दूं, पर फिर वही नाटक होंगे घर जाते ही। तुम तो दारू पे पड़े रहोगे, खेत सारे खाली रहेंगे। इससे बढ़िया तुम यूं ठीक है, जैसा काम चल रहा उसे वैसा चलने दो। सुन राजू, मैं पिंकी की कसम खा के कह रहा हूँ, आज के बाद दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे भाई राजू, मैं टंपी की कसम खा के कहूँ, मैं दारू की ओढ़ को लखाऊं भी ना। चलो भाई चलो, अपना ट्रैक्टर भी छुटवाएंगे, जो बिल है उसे भी भरेंगे, जो कर्जा तुमने कर रखा उसे उतारेंगे। चलो भाई, पा हमने तन्ने भी हद करके दिखा दी, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। भगवान ऐसे सपूत सबको दे। पिताजी सब थारा ही आशीर्वाद है। माँ तू तैयार हो? सीमा चल तू भी तैयार हो जा। अरे बेटा राजू, तेरी दुकान का क्या होगा? माँ मैं घर से आना जाना कर लूंगा, यहाँ खेत कमाऊंगे और भगवान ने चाहे तो जमीन भी खरीद लेंगे। चलो तो बेटा चलो। जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो।